मेडिट्रेन बबल सीपैप मशीन, मॉडल रेस्क्यू पैप। इसमें विथ कंप्रेसर है ये मॉडल, और अभी हम उसका कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर जो पीछे है, पीछे यहाँ पर एयर का है, तो ये एयर पाइप जो है नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, तो ये कंप्रेसर में जाएगा ऐसे, और जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर है, ये यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन में कनेक्ट करेंगे हम पाइप। और यहाँ पर प्लगिंग भी दिया गया है, तो ये एक प्लगिंग जो है वो ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करेंगे हम। ह्यूमिडिफायर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर स्लाइडिंग होके लगता है ऐसा, ये इस तरीके से स्लाइड होगा। हाँ ये स्लाइड होके ऐसे रखना है। ये भी ह्यूमिडिफायर का जो हीटर का वह सेंसर है वो है यहाँ पर, वो ये यहाँ यहाँ पर पे पुश लगाना। कर दिया जाएगा। और यहाँ ये स्लाइडिंग होके ऐसे निकल जाता है। इसमें पानी का लेवल जो है ये यहाँ तक भरना है इसको, ये लेवल तक। यहाँ ह्यूमिडिफायर विदाउट पानी पर चालू नहीं कर सकते। और यहाँ पर दूसरी जगह ये बबल की जो पानी की जो बॉटल है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में लगेगा। अभी हम इसका कनेक्शन देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है। ये हमारा एक छोटा सा पाइप है, ये पाइप जो है वो ह्यूमिडिफायर में कनेक्ट होता है। ह्यूमिडिफायर लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ह्यूमिडिफायर में एक कनेक्ट होगा, और ये एक यहाँ पर पीछे की साइड जो यहाँ पर ब्लू, ये पूरा ये से कनेक्ट होगा। और ये एक ग्रीन ट्यूब है, ये ग्रीन ट्यूब जो है वो प्रेशर पे लगेगा, जो प्रेशर पाइप जो दूसरी पाइप है जो दूसरा एंड है वो यहाँ पर लगेगा। ये हमारा टेस्ट लंग है, और जो टेस्ट लंग है उसके ये सेंटर में लगेगा ऐसा। और इसका ये पाइप का जो एंड है वो एंड है, उसमें एक एंड जो है वो यहाँ पर फ्रॉम पेशेंट पे लगेगा, और ये वाला यहाँ पर एक सेंसर भी है ह्यूमिडिफायर का, तो ये ऐसे ऐसे लगेगा। और जो सेंसर है जो ह्यूमिडिफायर के पीछे रहता है, ये ह्यूमिडिफायर्स के पीछे ये सेंसर है, तो ये सेंसर यहाँ पर ट्यूबिंग में लगेगा। अभी हमारी पूरी जो सर्किट है वो लग गई है यहाँ पर ऐसे, स्टेबल स्टेबल हो गया है ये। अभी ह्यूमिडिफायर जो है वो पूरा इंस्टॉल हो गया है, सॉरी बबल सीपैप जो है वो पूरा इंस्टॉल हो गया है।